वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ग्रेसेस फैशन फीचरिंग निशी। सो आप लोगों ने टाइटल से तो पढ़ लिया होगा कि मैं बहुत ही अमेजिंग लुक क्रिएट करने वाली हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग यूट्यूब पे जो चल रहा है दैट इज दिस पाकिस्तानी सीरीज विच इज गोइंग ऑन तेरे बिन एंड आई टोटली रिलेट विद द कैरेक्टर मीरब। तो जो मुर्तसिम और मीरब की केमिस्ट्री है वो एक टाइम में मेरी और प्रतीक की भी केमिस्ट्री हुआ करती थी। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड। ऑल्सो मीरब इज आज के जमाने की लड़की एंड उसको फोर्सफुली एक बड़े से खानदान में बहू बना दिया गया है एंड दिस इज द बैक ऑफ द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर विच आई एम गोइंग टू क्रिएट। जिनको नहीं पता है ये उनके लिए, मेरे को लगता है मीरब का जो स्टाइल है ऑफ वेयरिंग क्लोथ एंड जैसे वो मेकअप करती है वो मेरे स्टाइलिंग से बहुत रिलेट करता है, बहुत ही एलिगेंट और सिंपल। सो आज मैंने सोचा मैं एक समर वेडिंग के लिए जा रही हूँ, शाम का वेडिंग है। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने रेडी होंगी एंड दिस लुक विल बी इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस मीरब कैरेक्टर। एंड अगर आप लोग वो सीरीज नहीं देख रहे हो तो जाके देखो, यू विल फॉल इन लव विद द एक्टर एज वेल, वो भी बहुत क्यूट है। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, अ लॉट ऑफ यू आस्क मी कि आपको सूटेबल प्रोडक्ट्स बताओ जो आपके पोर्स को मिनिमाइज करे, जो आपके मेकअप को बहुत ही फ्लॉलेस फेस दे। सो देर आर लॉट ऑफ प्राइमोज इन द मार्केट विच विल सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम आउटसाइड बट देर आर वेरी फ्यू प्राइमोज विच विल सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम विद इन। सो आई हैव गॉट दिस अमेजिंग प्राइमर फ्रॉम डर्माको विच इज 2% नाइसिनामाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोर्स from within and it will also give you a flawless base. So this primer not only blurs out your pores temporarily but also परमानेंटली ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और फाइन लाइन्स को भी घटाता है। ऑल्सो इट कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल, इट इज फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन एंड इसके इंग्रेडिएंट्स है नाइसिनामाइड, सीबो क्लियर, MTMB एंड विटामिन ई। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आर देयर, बीबी क्रीम्स आर देयर विच हेल्प्स यू टू कंसील योर डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, बट दैट इज नॉट परमानेंट। सो हियर इज 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम बाय डर्माको। दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स एंड Aquacel, which has 2% niacinamide that reduces dark spots and blemishes to give you even skin tone. Can you see this? कितना अच्छा कवरेज दिया है। Also, it has got SPF 30, so it will give you sun protection as well. So, आप ये दोनों प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हो from Amazon, Flipkart, Nykaa and Dermago's website. Also, you can use my coupon code CRAZE2023 to avail 20% discount. And every time you purchase from Dermago's website, they link your order to a child they want to help or educate along with Bhumi. I have mentioned the link in the description box below. You should definitely go and check it out. I guess you're going to love the product. सो गाइज मैंने ब्लाउज पहन लिया है ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, वापस से ब्लाउज डालने में मेरा मेकअप ना खराब हो, सो इसलिए मैंने ब्लाउज पहले डाल लिया है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग विच इज द डर्माको पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। सो यस, आप भी ट्राई आउट कर सकते हो, इट्स गुड। जल्दी से स्किन प्रेप कर लेते हैं। और आपने मीरब की स्किन को देखा होगा, वो रेड नहीं है, बिल्कुल फेयर टोन में है, वेरी फेयर टोन में है एंड उसकी भी स्किन एकदम पोरलेस है, एकदम प्लेन स्किन है उसकी भी। नेक्स्ट टाइम मैं अप्लाई दिस कंसीलर ऑन माय फुल फेस। बिना फाउंडेशन का मेकअप होने वाला है गाइस। ये मेरा फाउंडेशन जब भी मैं लगाती हूँ तो स्किन मेरी बहुत ही अलग टोन की हो जाती है। दैट मीन्स मेरे स्किन का भी परफेक्ट फाउंडेशन मुझे मिला नहीं है या मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की है, बिकॉज मुझे लगता है जितना कम फाउंडेशन का उतना अच्छा। आप ये देख सकते हो बिल्कुल मीरब जैसा कलर आ गया है, एकदम जैसे वाइट बिल्कुल उसका फेस लगता है, एकदम सेम आई गेस जैसे ही लग रहा है। आई एम लविंग द बेस, मुझे लगता है बेस बिल्कुल वैसा ही हो गया है। सो गाइज इस एरिया में उसने हल्का सा ब्राउन कलर का आई लाइनर लगाया, अगर आप देख सकते हो बस इतने से एरिया में। उससे पहले हम स्लाइट सा काजल लगा लेते हैं, बहुत डार्क काजल उसने नहीं लगाया है, बिल्कुल मैंने टच किया है काजल को। बहुत कंफ्यूजन है इस पर, बहुत सारे ब्राउन्स हैं अगेन, तभी मैं बोलती हूँ छोटा पैलेट होना जरूरी है। सो गाइज ये एक्चुअल मुझे ब्राउन लग रहा है तो मैं यही वाला लगा रही हूँ, ये वाला शेड है। सो यू कैन सी उतना लिमिटेड ही उसने लगाया है एंड आई एम हैप्पी कि हाँ अच्छा सा आ रहा है। I'm pretty happy. Looks decent. Next, अब आप उसका आई लाइनर देखना,
वो भी हाफ आईलाइनर लगा हुआ है। सो ये दूसरी पिक्चर निकाली है जिसके यहाँ पे भी इसने ब्राउन कलर का लिटिल लिटिल आई शेडो अप्लाई किया हुआ है एंड ऊपर से आई शेडो है ग्लिटर वाला। सो इनर कॉर्नर आईज पे स्लाइड सा इफेक्ट ब्राउन ब्राउन इफेक्ट दे दिया है मैंने। मेरे पास क्योंकि शैडो या ग्लिटर वाला नहीं है तो मैं ये वाला लगाती हूँ गोल्डन वाला, शायद वर्क कर जाए। और मेरे पास बहुत मजे की बात ये है कि ये गोल्डन कलर का आईलाइनर है तो उसकी इनर आईज पे भी ये लगा हुआ था तो मैं इनर कॉर्नर आईज पे ये लगा रही हूँ। आप ये देख सकते हो बहुत ही उसका भी इतना ही एलिगेंट और इतनी ही मिनिमल क्वांटिटी में मेकअप लगा हुआ है, दैट्स व्हाई आई लव अ मेकअप। एंड अब थोड़ा सा आईलाइनर लगा लेते हैं, इससे सब गुड़ गुबर हो जाएगा अगर ये अच्छा नहीं लगा। सो लेट्स नॉट पुट दीज वाइब्स, इसको मैं अलग से लगा के आते कांट टेक रिस्क। फाइनली द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द डे इज कम्प्लीटेड, मैंने आईलाइनर भी लगा लिया है एंड अब मस्कारा, उसने नकली आईलैशेस लगाए बट आई लव लाइक जस्ट मस्कारा टू मेक इट मोर नेचुरल। सो यस दीज आर माय आईज, प्रिटी प्रिटी आईज, मुझे लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली आया है लुक। अब करते हैं फेस पे थोड़ा काम, उसका बहुत ही ग्लिटर वाला फेस था जब वो मैरिज करके घर आई थी तो उसका मतलब मैंने पिक्चर्स देखा यहाँ पे शाइन है एंड बहुत ग्लिटर है, यहाँ पे बहुत ग्लिटर है, मतलब उसका बहुत ही ड्यूई वो था फिनिश। सो एंड तक वी ट्राई कि हम लोग भी बहुत ड्यूई फिनिश कर पाए। पहले तो हम लोग यहाँ पे स्लाइटली पिंक कलर का ब्लश लगा लेते हैं एंड मैं बहुत ही स्लाइट से लगाऊंगी, उसने भी बिल्कुल साइड में बहुत हल्का सा लगाया था, यहाँ पे नहीं था यहीं पे था तो हम भी बैक साइड पे ही लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लिप्स पे आते हैं। नाउ लिप्स पे उसका बहुत लाइट देखो दो पिक्चर्स निकली है, एक में उसका ब्राउन ग्लॉस लगा हुआ है और एक में रेड ग्लॉस लगा है, सब पिंकिश ग्लॉस लगा है। सो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि कैसा करना चाहिए, उसके पिंकिश वाला ही देखते हैं हम लोग। I will keep it really light क्योंकि इसका बहुत लाइट था, मेरी तब भी डार्क हो गई है। आज ऊपर से मैं ये लगाने वाली हूँ लिप ग्लॉस, लेट्स सी। यस एग्जैक्टली दिस इज द लुक आई वॉन्टेड। अगर आपको कोई भी मेकअप प्रोडक्ट की इंक्वायरी चाहिए जस्ट लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन एंड मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट शेड वगैरह बता दूंगी। आई विल रिप्लाई टू योर कॉमेंट and she has applied a lot of gloss. I am जैसे जैसे मेकअप होते जा रहा है मुझे लग रहा है I'm getting close. बस अब मुझे इस मेकअप में हाईलाइटर की कमी लग रही है, just gonna use this. ये लिक्विड हाईलाइटर है गोल्ड में, so I'm gonna apply this. ये सर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चीक बोन में चाहिए, उसका एग्जैक्ट चीक बोन में था। Amazing highlighting effect आया है, this is so good, I literally love it. मुझे लग नहीं रहा था मैं कर पाऊंगी बट गुड अमेजिंग। और क्यूपिड्स बो पे गाइस मैं ये गोल्डन कलर वाला आई लाइनर लगाऊंगी। आई गेस दिस इज द फाइनल लुक एंड बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है एंड लाइक मैंने कर दिखाया। कमेंट करके बताना हाउ डिड यू लाइक दिस मेकअप बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत ही अमेजिंग होके आया है एंड एम आई डूइंग जस्टिस विथ यमुना ज़ैदी'स मीरब्स लुक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। सो जल्दी से मेरे को हेयर थोड़े से ओपन सॉफ्ट कर्ल्स करने हैं।
गर्ल्स आर डन फाइनली एंड अब मैं अपना लहंगा पहनती हूँ एंड देन उसके बाद मैं ज्वेलरी भी पहनूंगी. सो आई गॉट सेम क्या मतलब थोड़ी बहुत लगभग मैचिंग ज्वेलरी ऑल्सो आई गॉट. सो मीरा ने अपनी मांग बीच से निकाली है एंड लेट्स सी व्हाट मांग टिका आई हैव. उसके में पॉल ड्रॉप्स है बट मेरे में ये मेन उसमें पॉल है. सो आई गोना वेयर दिस. तो मैं ये भी पहन सकती हूँ, मुझे ये नेकलेस अच्छा लग रहा है एंड मेरे पास और भी ऑप्शन है. आई हैव दिस ऑप्शन एज वेल सो आई गो विद दिस ऑप्शन. मुझे बताने के लिए अच्छा लग रहा है. वाह बहुत अच्छा लग रहा है. Now I'm gonna wear the earrings. I have उसका ब्लू कलर का स्टोन है एंड मेरा ग्रीन स्टोन है. सो आई थिंक इतना तो मैनेज हो जाएगा. फाइनली एंड अब मुझे बस एक लास्ट टचअप करना है कि मैं अपनी आगे वाली जुल्फों को थोड़ा और अच्छे से कर्ल्स कर लूँ. सो मैं सर पे दुपट्टा नहीं ले सकती बिकॉज उसका दुपट्टा बहुत डिफरेंट है एंड ये दुपट्टा बहुत डिफरेंट है. जल्दी से मैं थोड़ा सा कर्ल्स करके रीटच करके आपको फुल लुक दिखाती हूँ. सो गाइज आई एम ऑल रेडी एंड इसके साथ ये पोटली भी मिली है विच इज सो डोप. सो यहाँ पे सब मैसी मैसी हो रखा है, प्लीज इग्नोर. इसको बंद कर देते हैं. सो आप बताना आपको ये लुक कैसा लग रहा है. और जो ये दुपट्टा मेरे को लगा मैं साड़ी फॉर्म में पहनूंगी तो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा. सो यस आई एम सो हैप्पी विद द होल आउटफिट, ज्वेलरी, इट हैज ऑल कम अप सो नाइसली. ऑल्सो दिस ग्रे कलर इज लाइक राइट मीरा बोनली. वो हमेशा पेस्टल शेड्स पहनती है, चाहे उस नॉर्मल सूट्स में भी शी वेयर्स पेस्टल्स. आई एम काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विथ हर. मैंने बहुत बार मीरा मीरअप कर लिया है. बट एनी वेज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई कीप कमिंग विद दिस काइंड ऑफ वीडियोज. बाय.